रामगढ़ में भारत विकास परिषद ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 35 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के साथ फेरे लेकर जन्म जन्म तक साथ रहने का वचन लिया। इस मौके पर मौजूद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित शहर वासियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान शहनाई गाजेबाजों के साथ साथ खूब आतिशबाजी की गई और विवाह स्थल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसके पहले गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य के बीच जोड़ों ने शहर का भ्रमण किया। 35 ऑटो पर 35 जोड़े सवार थे। भारत विकास मंच के द्वारा पिछले वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार लगभग 35 जोड़ी का शादी हो रहा और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आने वाले समय में जो हम लोगों के बीच में दहेज प्रथा और जो हम लोगों के बीच में दुराचार को देखने को मिलता है और जो काफ़ी दुख लगता है, और इस तरह के आयोजन से मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दहेज प्रथा खत्म समाप्त होगी। समाज का एक बहुत बड़ा तोड़ है, उसको बल मिलेगा और समाज में जो अत्याचार और जो हत्या होती है वो सब बल। बता दें कि सभी 35 जोड़ों का विवाह बिना दहेज के कराया गया है। शादी में वैवाहिक जोड़ों को घर का सामान सहित रसोई का सामान, सिलाई मशीन इत्यादि भेंट स्वरूप दिया गया। गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पैसों के कारण धूमधाम से नहीं हो पाती है। ऐसी ही कन्याओं की शादी का बीड़ा भारत विकास परिषद उठाता है और उनके सुखी भविष्य जीवन की मंगल कामना के साथ उनकी शादियां करवाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामगढ़ से अविनाश गोस्वामी की रिपोर्ट।